हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट क्यूबो। मैं अनुभव श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक के वीकली करंट अफेयर्स को। इसमें आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स मिलेंगे, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट डेज भी डिस्कस किया जाएगा। आपको आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइन में मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको PDF भी मिलेगा जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही साथ आप हमारे डेली क्विज ग्रुप को भी ज्वाइन करें। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे किसी नीडी एस्पिरेंट की हेल्प हो जाए। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। FATF ने किस देश को ग्रे सूची में कंटिन्यू यानी बरकरार रखा है? पाकिस्तान को। भारत ने किस देश के साथ नई हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? चाइना यानी चीन के साथ। किस भारतीय क्रिकेटर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? यूसुफ पठान। किस राज्य ने एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क यानी जिसका नाम है AIIRLAS का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में। किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र ने। ओमेगा सेकी किस देश में अपना इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? बांग्लादेश में। किस राज्य में मुरु महोत्सव शुरू किया गया? राजस्थान में। किस राज्य में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया? केरल में। किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? गुजरात ने। किस राज्य ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? केरल ने। घुड़सवारी टेंट पेगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? भारत। किसे सेरावीक यानी CERA वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण ने नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी जी को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में किस राज्य ने बौद्ध मठ की खोज की? झारखंड ने। कीव यूक्रेन में आयोजित कुश्ती टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। किस कंप्यूटर कंपनी ने पहला महासागर के प्लास्टिक अपशिष्ट से कंप्यूटर बनाया? HP ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया गया? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे 2021 की थीम क्या रखी गई? द फ्यूचर ऑफ STIS इम्पैक्ट इन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। CBDT के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 महीने के लिए। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान के लिए चुना गया? वेलचेरू राव को। किस देश में पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह जो है लॉन्च किया गया? रसिया यानी रूस में। किसने मिस्टर डिजर्ट का खिताब जीता है? कृष्ण कुमार पारिक ने। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस यानी नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया गया? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? इसको याद रखिएगा, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? श्री जयदीप भटनागर जी को। इसरो ने किस देश के साथ अमजेनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ब्राजील के साथ। इसरो ने किस राज्य से सिद्ध नेत्रा उपग्रह लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, और ये ब्राजील के साथ, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। किस बैंक ने PM केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान कर दिया है? SBI ने। इंडिया आइसकैमस्टर बोर्न एवरी मिनट की लेखिका कौन है? स्त्रिग्धा पूनम। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च 2021 यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021 का थीम क्या रखा गया? इंड इनइक्वालिटीज, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लॉन्च पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखक कौन है? डेनियल कोहन मैन। विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा, स्वर्ण पदक जीता है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटों में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मात्र 18 घंटे में। तीसरा जन औषधि दिवस समारोह कब आयोजित कराया गया? 1 मार्च से 7 मार्च तक। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मालविका बंसोड ने।
बिहार राज्य का मुख्य सचिव, नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह जी को। किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीत लिया है? नो मैन लैंड ने। किसने सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक हैंडबुक लॉन्च की है? थावरचंद गहलोत ने। प्रेजेंट टाइम में ये कौन से मिनिस्टर हैं, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना है। भारत ने किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित की है? अहमदाबाद को। यहीं पे आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है। किस राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई? ओडिशा में। लॉन्च पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? राम माधव जी। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च 2021 को। और विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या रखी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार देने की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 123। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री रवि कपूर जी को। किस राज्य में मौन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? नागालैंड में। 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या रखी गई? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। वर्ल्ड हियरिंग दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को। और वर्ल्ड हियरिंग दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हियरिंग केयर फॉर ऑल। किस देश में तेजावर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? मातम वेंकटा राव को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की? दिल्ली। और खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर। CRPF के नए DG का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? कुलदीप सिंह जी ने। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? इलॉन मस्क। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरण पोलार्ड। पहले खिलाड़ी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ट्रू कॉलर ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? गार्जियन। भारत का IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च 2021। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, सड़क सुरक्षा इसकी थीम थी। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बन गया है? चाइना। और AIBA की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को। किस नाम से भारत में नया मालवेयर डिटेक्ट किया गया है? शैडो पैड नाम से। किस म्यूचुअल फंड ने पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया है? SBI म्यूचुअल फंड ने। किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? त्रिपुरा में। PM मोदी ने कोरोना वायरस टीके की पहली डोज कहां लगवाई? दिल्ली एम्स में। किस राज्य की अशोक असरानी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? जयपुर, जो कि राजस्थान में है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। किस न्यूज एजेंसी को WAN इफ्रा IFRA चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? द हिंदू ग्रुप को। राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? कर्नाटक का बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा? पुणे। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक 2 सेशंस या लेंग हुई शुरू हुई? चीन। किसने CSIR फ्लोरीकल्चर मिशन को लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि इस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं।
वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया गया? 4 मार्च को। 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस देश की यूनिवर्सिटी रही? अमेरिका की। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया? स्पेस एक्स ने। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का के टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? डीन एल्गर को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में किस भारतीय को शामिल किया गया? मुकेश अंबानी। 5 भारतीय हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उनके नाम आपको याद कर लेना है, उनके नाम आपको याद करके गूगल पे सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2021 कहाँ आयोजित कराया गया? नई दिल्ली में। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेंजेट तकनीक SFDR उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा में। किस देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? अर्जेंटीना में। लॉन्च पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन हैं? राम माधव। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 माह में भारत में FDI का शीर्ष स्रोत कौन सा देश रहा? सिंगापुर। कोवैक्सीन दवाई को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बन गया है? जिम्बाब्वे। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार जो है उससे किसे सम्मानित किया गया? मोहन कृष्ण वोहरा को। किस देश की दुर्लभ चिड़िया लेसर व्हाइट फ्रंटेड पहली बार जयपुर में देखी गई? साइबेरिया की। किस राज्य में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का गठन किया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत देश ने किस देश को पहले लाल चावल की खेप मुहैया कराई? अमेरिका को। और ये जो लाल चावल उपजाया गया है भारत देश के किस राज्य में उपजाया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश में। किसने बॉन्ड में निवेश करने के लिए यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? एक्सिस सिक्योरिटीज ने। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मन में आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ खूब मेहनत करें और जय हिंद।